मिर्जापुर में सिंचाई विभाग की लापरवाही से समय पर काम पूरा न होने से आक्रोशित हुए किसान धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि जब तक किसानों का काम नहीं होगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। महाराजगंज और फूलपुर थाने की पुलिस ने एसओजी के साथ अलग अलग कार्रवाई कर 25,000 के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें अभियुक्त पर 2018 से 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मामले का खुलासा आजमगढ़ के एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने पुलिस लाइन सभागार में किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार पहुंचकर ओम पुल के निकट गंगा घाट पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और कई प्रदेशों से उत्तराखंड आए शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने कांवड़ियों के चरण धोकर और उन्हें सम्मान स्वरूप गंगाजल भेंट कर उनका स्वागत किया। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने गढ़वाल मंडल के सभी डीएम और अधिकारियों को मानसून सीजन में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपदा प्रभावितों को दिए जाने वाले मुआवजे की भी कार्रवाई की जा रही है। संभल पुलिस ने लगभग 4.5 लाख रुपए की लूट का 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक लूट की वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं दिया बल्कि नौकर ने ही मालिक की रकम को हड़पने के इरादे से अपने दामाद के साथ मिलकर पूरा षड्यंत्र रचा। पुलिस ने दोनों ससुर दामाद को गिरफ्तार कर घटना का सनसनीखेज खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों से नकदी भी बरामद की है। सिद्धार्थनगर जिले के प्राथमिक विद्यालय शेख डी का निरीक्षण करने डीएम राजा गणपति आर पहुंचे। विद्यालय की स्थिति देखकर उन्होंने जमकर फटकार लगाई। इसी के साथ प्रधानाध्यापक फयाज अहमद को सस्पेंड कर दिया गया। अमरोहा में आप कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ईडी और सीबीआई पर फर्जी मुकदमे में अरविंद केजरीवाल को फंसाने का आरोप लगाया। इसी को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के साथ जिला प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा। कन्नौज में डीएम एएसपी ने जिला जेल का निरीक्षण कर जेल की मेस हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था देखी। एएसपी और डॉक्टर संसार सिंह ने बंदियों की जनसुनवाई सुनी। डीएम ने बंदियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण का भी जायजा लिया। बीमार बंदियों को बेहतर चिकित्सा के निर्देश दिए। कानपुर प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता के दौरान हादी बेगम वक्फ के पूर्व मुतवल्ली कली अब्बास ने बताया कि शिया वक्फ बोर्ड की एक संपत्ति है जो हादी बेगम वक्फ बोर्ड के नाम है। इस संपत्ति में एनुअल हसन नकवी अपना कब्जा जमाए हुए हैं जिनको शिया वक्फ बोर्ड ने 2 साल पहले मुतवल्ली बताया था। तब से अभी तक कोई नेक काम नहीं करके अवैध निर्माण कराया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तारा खुर्द में डॉक्टरों की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों ने महिला को भर्ती कराया जिसके 1 घंटे बाद महिला ने बच्चे को जन्म दिया। कुछ समय के बाद बच्चे की तबीयत कुछ बिगड़ गई तो वहां मौजूद डॉक्टरों ने बगल में स्थित प्राइवेट क्लिनिक में बच्चे को दिखाने की सलाह दी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने जब महिला की मौत हो गई तो जिला अस्पताल अकबरपुर के लिए रेफर कर दिया। जब परिजन महिला के पास पहुंचे तो महिला की मौत हो चुकी थी। महिला की मौत को जानकर परिजनों ने रोना धोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और डॉक्टर मौके से फरार हो गए। कानपुर में उमस भरे मौसम में बिजली कटौती को लेकर केस को मीडिया प्रभारी श्रीकांत रंगीला से बातचीत की। उन्होंने बताया कि लोड ज्यादा होने के कारण फॉल्स ज्यादा हो रहे हैं। हालांकि तापमान में तो इस समय गिरावट है लेकिन उमस से मौसम में बिजली की खपत बढ़ रही है। इसी के कारण केबल बॉक्स से फॉल्ट हो रहे हैं। कानपुर में राशन कार्डों में कार्डों की छटनी की जाए जिसके लिए नाम काटने की तैयारी शुरू हो गई है। कानपुर जिले में 8 लाख से ज्यादा परिवार हैं जो कोटेदारों से निशुल्क राशन ले रहे हैं। जिले में 30,83,939 राशन कार्ड यूनिट हैं। इनमें से अब तक 7 लाख राशन कार्ड यूनिट की केवाईसी हो चुकी है। ई केवाईसी के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को कोटेदारों के पास पहुंचकर ई पोस्ट मशीन में अपनी उंगली की छाप देनी है। ये प्रक्रिया राशन कार्ड धारकों की संख्या में पारदर्शिता के लिए की जा रही है। प्रयागराज के हंडिया थाना अंतर्गत पुलिस चौकी बरौस क्षेत्र के गांव में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। किच्छा में मुख्यमंत्री कोष से सहायता दिलाने के नाम पर एक्सटोर्शन व दलाली करने वाले 2 अभियुक्तों को धमसिंह नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। महाराजगंज में अधिशासी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। विधायक प्रेम सागर पटेल की शिकायत पर सिसवा के अधिकारी को निलंबित किया गया है। विधायक ने नियमों की धज्जियां उड़ाने का ईओ पर आरोप लगाया था। सिसवा एमएलए के विधानसभा सत्र के दौरान नियम 51 में शिकायत की गई थी।